हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे। गाइस, मैं कल परसों ही घर आई हुई हूँ और आप लोग देख सकते हैं मैं अभी गांव में हूँ और उधर मेरे चाचा जी है और दादी है। तो अभी सुबह के 5:30 बज चुका है और हम लोग भी सब कोई उठ गए हैं। कल पार्टी था हमारे घर में, तो बहुत सारा काम भी है आज। बहुत सारा बर्तन भी गंदा है तो बर्तन भी धोना है। और उधर में हम लोग की बहू भी झाड़ू कर रही है, बहुत ज़्यादा गंदा है पूरा सब तरफ। कल पार्टी था ना, इसीलिए। तो अभी हम लोग भी चलते हैं काम वगैरह करने के लिए। बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, पानी भी भरना है, कुआं से लेके आना है और मुझे भी जाना है। और मेरा कल परसों एग्ज़ाम भी है तो मुझे तैयारी भी करना है एग्ज़ाम का, इसलिए मैं आज जगह में रहती हूँ। तो चलिए, फिर पहले हम लोग काम वगैरह ख़त्म कर लेते हैं, खाना भी बनाना है थोड़ा सा। सो गाइस, हम लोग कुआँ जा रहे हैं बर्तन धोने के लिए। इधर में एक जन ढो के ले जा रही है। कुआं हम लोग का पास में ही है तो वहीं पे जा रहे हैं। चाचा लोग बारी पटा रहे हैं तो वहाँ पर पानी खींच देंगे बोल के वहीं पे जा रहे हैं बर्तन धोने के लिए, बर्तन लेके। तो हम लोग कुआं पहुँच गए हैं और ये रहा हम लोग का कुआं। इधर पानी जा रहा है, बारी पट रहा है। हाँ, पानी भर देला हुआ तो बोय। बहुत सारा बर्तन है, देख सकते हैं कितना ज़्यादा बर्तन धोना है। हम लोग का छोटा बाबू अभी तक उठा नहीं है, किधर रास्ता में छुपा है, किधर गया? ये देखिए भाग रहा है। तो देख रहे हैं कैसा सो रहा है, देखिए यहाँ पर सोया है चूहा के जैसा। उठ उठ ए उठ साला के। बहुत सोता है लड़का। अरे उठ, देख रहे हैं कैसा सो रहा है, चेहरा तक नहीं दिखा रहा है। बाप रे बाप, उठ उठ, सुबह हो गया जी, उठो। अभी फिर से सो गया है ढका के, इसके लिए सुबह ही नहीं होता है। ई देख रहे और चटाई दिशा के भाग रहा है, बहुत गुस्सा होता है बाबा खीस में। कहाँ जा रहा है बाबू, गुस्सा बहुत गुस्साता है ये लड़का, बहुत थोड़ा सा बोलने से गुस्सा जाता है। और अभी इतना लेट से उठा है, उधर गुहार तरफ छुपने गया है, गुस्सा से बकरी को निकाल दिया। अभी पता नहीं इसको क्या गुस्सा है, अच्छा बात बोलने से इसको गुस्सा लगता है। बहुत फायर है, हमको उठा के मार रहा है डंटा से। तो हम लोग का काम वगैरह ख़त्म हो गया, अभी चलते हैं हम लोग सब्जी बनाने। और सब्जी में हम लोग का है आज चिकन बना रहे हैं, कल का चिकन फ्राई किया हुआ था तो उसी को बना रहे हैं अभी। और उसमें क्या मिला थी चाची? आलू तो उसमें बना, तो आलू मिला रहे हैं उसमें। हम लोग सोच रहे थे कटहल मिलाएंगे तो थोड़ा सा आलू मिलाते हैं, अच्छा लगता है। तो चलिए हम लोग पहले बना लेते हैं सब्जी। प्याज वगैरह काटना है तो वो काट लेते हैं। सो गाइस, हम लोग खाना खाने बैठे हुए हैं और इधर में चिकन है तो हम लोग खाना खा रहे हैं अभी। मज़ा आ रहा है चिकन, कल भी चिकन खाए थे, डेली हम लोग के घर में आजकल चिकन बन रहा है। तो अभी हम लोग खाना खा के आम तोड़ने जाएंगे सोच रहे हैं। तो अभी चलिए हम लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आम तोड़ने के लिए निकलेंगे। तो गाइस, हम लोग आम लेने के लिए आए हुए हैं, पका हुआ आम कुछ कुछ मिलेगा तो ले जाएंगे। मुझे ले जाना है इसीलिए, क्योंकि टाउन में रहूँगी तो मुझे आम नहीं मिलेगा गांव का आम खाने को, तो इसीलिए मैं आज आम लेके जा रही हूँ। और ये देखिए, आधा आम गिरा लिए हैं तो ये मैं डाल रही हूँ थैला में, और भी गिरा रहे हैं उधर भाई लोग। अक्सी अक्सी तो है ये ना खे, बहुत ज़्यादा पक गया है यहाँ का आम, तो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये डांग से पकल है कच्चा, बहुत ज़्यादा पक गया है, कितना चूहा खा रहा है आम को वहाँ। अरे वो जगन बहुत सुंदर झोंपाऊ,
सब तरफ आम है यहाँ, यहाँ का आम बहुत मज़ा आता है खाने में। हम लोग सुबह सुबह आते हैं यहाँ पर आम बेचने के लिए। तो चलिए फिर हम लोग आम तोड़ लेते हैं पहले। तो हम लोग आम तोड़ लिए हैं, अभी जा रहे हैं। मैं भी तैयार हो गई हूँ, तैयार हो के ही आई हुई थी, तो मुझे लेट हो रहा है। तो अभी मैं जाऊँगी अपने दोस्त के साथ, मेरा एक दोस्त आ रहा है तो उन्हीं के साथ जाऊँगी मैं। ए जल्दी आवा, जल्दी आवा। तो मुझे भी लेट हो रहा है इसलिए मैं भी निकलती हूँ अब। फाइनली मैं अपने रूम पहुंच गई हूं और काफ़ी रिलैक्स भी लग रहा है। बहुत ज़्यादा धूप था, बहुत तेज़ धूप थी, चेहरा में इतना धूप पड़ रहा था कि क्या बताएं। आप लोग जानते ही हैं काफ़ी ज़्यादा धूप है आजकल, और बाहर निकलने से तो बहुत ज़्यादा लू भी मार देता है बहुत जल्दी। तो मैं फाइनली अपने रूम पहुँच गई हूँ और अभी मैं चलती हूँ फ्रेश वगैरह होने। और यहाँ पर मैंने आम भी निकाल के रखा है जो मैं तोड़ रही गई थी। ये कलमी का आम है, बहुत टेस्टी लगता है कलमी का आम। हम लोग के घर के पास कलमी का पेड़ है, कलमी आम का पेड़ है, तो उसे ही हम लोग तोड़ के लेके आए। तो मैं भी लेके आई हूँ आधा, और आधा मैंने घर में छोड़ दिया है। तो चलिए फिर आज का ये वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ। आई होप मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।